वाटरमेलन पॉप्सिकल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आधा कप वाटरमेलन ले लेंगे, इसका सीड्स निकाल दें, 2 चम्मच चीनी डाल दें और 1/4 कप पानी डाल दें। फिर हम जार का ढक्कन बंद करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे एक बार छान लेंगे ताकि इसमें अगर सीड्स वगैरह है ना तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे छान लिया है और छानने के बाद हम इसे पॉप्सिकल मोल्ड में भर देंगे। तो यहाँ पे इसे मोल्ड में डाल दें, मैंने इसे ग्लास में भर दिया ताकि मोल्ड में डालने में आसानी हो। और ये देखिए यहाँ तक इसे भर दें। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, उतने समय में ये आसानी से सेट हो जाता है। तो ये हमारा पहला पॉप्सिकल रेडी हो चुका है, अब हम दूसरा बना लेते हैं। तो ब्लेंडिंग जार में हम 1/2 कप स्ट्रॉबेरीज़ डाल देंगे, तो स्ट्रॉबेरीज ऐसे कटे हुए डाल दें, 2 चम्मच चीनी डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें। तो जैसे हमने वाटरमेलन का बनाया ना, सेम प्रोसेस से इसको भी बनाना है। जार का ढक्कन बंद करें और इसे ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लेती हूँ मैं। अब ब्लेंड करने के बाद हम इसे छान लेंगे। वैसे तो इसको छानना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे छान लेंगे तो पॉप्सिकल खाने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी जूस बनके तैयार है, अब हम इसे भी मोल्ड में डाल देंगे। तो यहाँ पे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आप चाहिए तो जूस के साथ थोड़े से स्ट्रॉबेरीज के चंक्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल बनके तैयार है, अब हम इसे फ्रिजर में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अब हम बनाएंगे ओरियो पॉप्सिकल। तो उसे बनाने के लिए ओरियो कुकीज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 ओरियो कुकीज़ ले लें और उसे ऐसे तोड़ के ऐसे बोल में डाल दें। इसे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें दूध डालेंगे, तो दूध डालने के बाद ये ऐसे ही सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 तरह के ओरियो कुकीज़ का इस्तेमाल करूँगी, पहला ये जो नॉर्मल वाला आता है और दूसरा जो अभी कैडबरी डिप करके मार्केट में आया हुआ है, ये देखिए। तो पहले हमने 4 कुकीज़ वो वाले इस्तेमाल किए और ये वाले 1 से 2 इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये 1 कुकी ले लेती हूँ, ये पूरा चॉकलेट से कोट रहता है, ये आप देख सकते हैं। और इसे डालने के बाद चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, दूध का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल दूध डालें और दूध डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें। मैंने उबाल के ठंडा किया हुआ दूध का इस्तेमाल किया है, कच्चा दूध नहीं डाला है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, थोड़े से ऐसे चंक्स रखें तो पॉप्सिकल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका। तब हम क्या करेंगे कि इसे मोल्ड में डाल देंगे। ये देखिए, जब आप इसे मोल्ड में डालेंगे ना तो जो चॉकलेट्स है वो जाके नीचे बैठ जाएंगे और दूध ऊपर आ जाएगा। तो ये पॉप्सिकल आपका 2 कलर में बनेगा। तो बिना मेहनत के जब आपको ऐसे डिज़ाइन वाला पॉप्सिकल मिले तो क्या कहना है ना। तो यहाँ पे इसे ऐसे बंद कर देंगे और इसके बाद जैसे ही आप इसे फ्रीजर में रखेंगे तो ये 2 कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बना लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉप्सिकल। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है और इसमें हम एनर्जी ड्रिंक पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे आप रसना, ग्लूकॉन्डी या टैंक किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो इसकी जगह नॉर्मल नींबू पानी भी आप बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चीनी डाला मैंने, पानी डाला और इसके बाद ऐसे अच्छे से मिला दें। गर्मियों के दिन में अक्सर बच्चे जब नीचे खेलने जाते हैं ना तो उन्हें ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है। तो उस केस में आप ऐसे ये पॉप्सिकल बना के उन्हें दे सकते हैं, उन्हें खाने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे इसे मोल्ड में डाल दें और उसके बाद इसे फ्रीज़र में डाल दें। तो है ना, कुछ भी मेहनत नहीं करना है। आप चाहिए तो आम पन्ना का भी पॉप्सिकल ऐसे बना के रख सकते हैं। तो इसे आप फ्रीज़र में रख दें 4 से 5 घंटे के लिए। अब हम नेक्स्ट वाला जो बनाएंगे ना वो फ्रूटी से बनाएंगे। फ्रूटी बच्चों का बहुत पसंदीदा होता है और इसे बनाने में कुछ भी नहीं है, बस आपको फ्रूटी ऐसे मोल्ड में डाल लेना है। तो वैसे तो आप कहेंगे कि इसका वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। अगर आप ऐसे नहीं ट्राई करते हैं तो ऐसे बना के बच्चों को दे सकते हैं। फ्रूटी की जगह आप फ्रेश मैंगो जूस या फ्रेश ऑरेंज जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे फ्रिजर में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। और अब मैं जो लास्ट बनाने जा रही हूँ ना वो है कोला फ्लेवर। तो वैसे तो कोला फ्लेवर जो है वो रसना भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो थम्सअप या कोक कुछ भी आप इसमें भर दें। ये बड़ों लोग के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन ये मेरा बहुत पसंदीदा है। तो यहाँ पर ये कोक मैंने इसमें डाल दिया है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड के साथ स्पॉन्सरशिप या कोलेबोरेशन में नहीं है। तो यहाँ पे इसे मैंने डाल लिया और इसके बाद इसे सेट कर दे 4 से 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हमारे 6 तरीके के पॉप्सिकल्स बन के तैयार है, अब हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे। तो यहाँ पे ये पॉप्सिकल का स्टैंड है। अगर आपको ये मोल्ड चाहिए तो आप इसे अमेज़ॉन से ले सकते हैं, मैंने इसे 283 में अमेज़ॉन से लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए, दिखने में बहुत ही कलरफुल दिख रहा है। तो बस अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे और 5 से 6 घंटे, या फिर आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, रखना आपके ऊपर है। मिनिमम 5 से 6 घंटा आपको इसे रखना है। 6 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पॉप्सिकल्स अच्छे से सेट हो गए हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम इन्हें बाहर निकालते हैं। तो पॉप्सिकल निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसे तुरंत ऐसे खींचेंगे ना तो ये नहीं निकलेगा। तो आप क्या करें कि एक बर्तन में पानी ले लें और उसके बाद इसे ऐसे दोनों साइड से एक बार डिप कर लें। पानी में डालते ही इसके ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद ये पॉप्सिकल बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरीज पॉप्सिकल बनके तैयार है। ये देखिए बहुत ही कलरफुल दिख रहा है ना, और टेस्ट में इसका कोई मैच नहीं है। तो अब हम सेम प्रोसेस से सारे पॉप्सिकल्स को निकाल लेंगे। तो ये हमारा ओरियो पॉप्सिकल्स, जिसमें हमने थोड़े से चंक्स रखे थे, जिसकी वजह से इसके ऊपर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं आ रहा है। और ये हमारा फ्रूटी वाला, फ्रूटी वाला बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि फ्रूटी तो उन्हें पसंद आता ही है। ये देखिए ये बहुत ही स्मूथ आया है क्योंकि इसमें हमने कुछ भी मेहनत नहीं की है। और इसके बाद ये कोला फ्लेवर जो मेरा पसंदीदा है, ये देखिए इसके साथ ही हम ये एनर्जी ड्रिंक वाला निकाल लेंगे। और लास्ट में ये वाटरमेलन वाला। तो आप इन पॉप्सिकल्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये सारे आपके बच्चों को और आपको बहुत पसंद आएगा। बस बच्चों को कोला वाला नहीं दें। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।